हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं वॉल टेक्सचर। आज मैं बात करूंगा कि किसी भी रफ वॉल को या वुड को हम कैसे एकदम चमचमाती हुई वॉल की तरह करें। आज हम उसके बारे में बात करेंगे और एक एक स्टेप मैं आपको करके दिखाऊंगा। स्टेप वन, हम यूज़ करेंगे इसमें इंटीरियर प्राइमर का। डिपेंड करता है हम इंटीरियर में यूज़ कर रहे हैं या इंटीरियर वर्क हो रहा है या एक्सटीरियर वर्क हो रहा है। इंटीरियर वर्क हो रहा है तो इंटीरियर प्राइमर यूज़ करेंगे, एक्सटीरियर वर्क हो रहा है तो हमारा एक्सटीरियर प्राइमरी यूज़ होगा। और डिपेंड ये भी करता है कि आप सॉल्वेंट प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं या वाटर बेस्ड प्राइमरी यूज़ कर रहे हैं। अभी तो मैं आपके सामने वाटर बेस्ड प्राइमरी यूज़ करूँगा और मैंने प्राइमर बना रखा पहले से। इस प्राइमर में 1 लीटर में 250 से 300 ml हम पानी डाल सकते हैं। मैंने इसको बना रखा पहले से, प्राइमर ज़्यादा हमें पतला भी नहीं करना। इसको लगा दिया है, उसको सूखने का 1 से 1.5 घंटे का इसे टाइम चाहिए। अगर ये सीमेंट सरफेस पे होता तो थोड़ा सा जल्दी सूख जाता, वो अप्रोक्स 1 घंटे में सूख जाता। अब प्राइमर सूख गया है, अप्रोक्स 1 घंटा हो गया और 1 घंटे में अपना प्राइमर सूख गया है। अब हम इस पर सेकेंड स्टेप करेंगे, पुट्टी। पुट्टी मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ जेके वॉल पुट्टी, और ये अपना पाउडर फॉर्म में आता है, ऐसा होता है। पुट्टी बनाने का तरीका ये होता है, जितनी पुट्टी हो आप उसका 40% उसमें पानी डालो। और आओ मैं आपको दिखाता हूँ इसको बनाते कैसे। पुट्टी के 2 कोट होते हैं, जो कि पहला कोट इसमें लग चुका है। अब इसे सूखने में 1 से 1.5 घंटे का टाइम चाहिए, सूख जाएगा तो उस पर पुट्टी का दूसरा कोट होगा। पुट्टी का फर्स्ट कोट सूख गया है, अब हम सेकंड कोट स्टार्ट करोगे। पुट्टी का सेकंड कोट हो गया है और ये अच्छे से सूख गया है। अब इस पर सैंड करेंगे, हम इस पर रगड़ाई करेंगे, सैंडिंग करेंगे 220 नंबर पेपर से। सैंडिंग इसलिए करेंगे कि इस पर निशान कम से कम आए। और आप देख ही रहे होंगे कि मैं मास्क लगा रहा हूँ, तो अगर हम सैंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सैंडिंग स्टार्ट करने पहले हम मास्क लगाएंगे और फिर अपना काम स्टार्ट करेंगे। मास्क हम इसलिए लगाएंगे कि हम जब रेगमाल लगाएंगे तो इसकी डस्ट उड़ेगी, डस्ट हमारे सांस के जरिए हमारे बॉडी में न जाए, उससे हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है।
पुट्टी के दो बेस हो चुके हैं और इस पर अब सैंडिंग हो गई है। सैंडिंग होने के बाद इस पर हम लगाएंगे प्राइमर। तो मैं आपको दिखाने के लिए इस बार आपको दिखा देता हूँ, ये डैम शील्ड, ये एक तरह का केमिकल होता है, इंटीरियर केमिकल है डैम शील्ड, और ये सीलन में बहुत यूज़ होता है। अगर आपके घर में सीलन हो तो ये सीलन को भी काफ़ी हद तक रोक देता है डैम शील्ड। देखिए, और इसको भी हम जैसे प्राइमर पतला करते हैं वैसे पतला कर लेंगे और ये और उसको यूज कर लेंगे। अब प्राइमर लग चुका है और इसे सूखने के लिए 1 घंटे का टाइम चाहिए। दोस्तों, वॉल अपनी तैयार हो गई है, मगर अभी जैसा हम वॉल हम चाहते हैं स्मूथ एकदम, वैसी वॉल नहीं हुई है। तो उसके लिए हम इस पे करेंगे ये चौक मिट्टी का पाउडर, चौक मिट्टी की पट्टी करेंगे। चौक मिट्टी पाउडर में पहले हम डालेंगे पानी, फिर उसका पेस्ट बनाएंगे पानी के साथ, फिर इसके बाद इस चौक मिट्टी में हम क्या करेंगे, सिंथेटिक इनेमल पेंट मिलाएंगे। ये आप देख रहे होंगे, सिंथेटिक इनेमल पेंट और ये चौक मिट्टी, दोनों को मिक्स करके फिर एक पक्की पट्टी इसे कहते हैं, तो इस पे होगा, फिर अपनी वॉल एकदम स्मूथ हो जाएगी। आओ चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी पुट्टी बनती कैसे है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वॉल के लिए। स्टार्ट करने से पहले हम पहले मास्क लगाएंगे, क्योंकि हमें अभी 220 नंबर पेपर से हल्की सी सैंडिंग करनी है इसमें, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, जो कि इसमें हल्के फुल्के जो रफ से उड़ी हो वो हट जाएंगे, रफ लगी वो हट जाएंगे इस तरीके से। अब इसके बाद हम इस पे चौक मिट्टी की पट्टी करेंगे। अब चौक मिट्टी की पट्टी इस पे हो चुकी है, इसे सूखने के लिए 1 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। और उसके बाद सूखने के बाद हम क्या करेंगे, किसी हल्की सी सैंडिंग करेंगे, फिर उसके बाद इस पे हम पेंट इजिली कर सकते हैं, मतलब कोई सा भी पेंट कर सकते हैं, पानी वाला पेंट कर सकते हैं, हम तेल वाला पेंट कर सकते हैं। पुट्टी अब अपनी अच्छे से सूख गई है, हमें क्या करना होता है, अपने जितने बार हम पुट्टी करेंगे वॉल पे उतनी बार हमें उस पर सैंडिंग करनी पड़ती है, रेगमाल से उतनी बार हमें रेगमाल से सैंडिंग करनी पड़ती है, रेगमाल लगाना पड़ता है। वो रेगमाल हम इसलिए लगाते हैं कि पुट्टी जब हम करते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं कहीं थोड़ा सा ऊँचा नीचे रह जाता है, या कुछ ऊपर से डस्ट वगैरह गिर जाता है, या कुछ भी थोड़ी थोड़ी पुट्टी भी कहीं कहीं रह जाती है। तो उसको थोड़ा सा स्मूथ करने के लिए हम सैंड पेपर का यूज़ करते हैं, सैंडिंग करते हैं वॉल पे। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी इस पे चौक पुट्टी का पाउडर हो गया है, चौक पुट्टी पाउडर की पुट्टी हो गई है, और इस पे आप सैंडिंग करेंगे 320 नंबर पेपर से। ये देखो 320 नंबर सैंड पेपर है, इससे सैंडिंग करेंगे। और आपको एक चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, कभी भी आप वॉल पे सैंडिंग करो तो ये मास्क मैंने ले रखा है, ऐसा मास्क आप लगा लें, मैं आपको दिखाता हूँ। अब आप इस पर जो भी पेंट करना चाहते हैं वो पेंट इस पर ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि आपकी वॉल, आपको जैसी वॉल चाहिए थी आपको ये वॉल अपनी वैसी हो गई है। आप इस पर रॉयल कर सकते हैं, और आप प्लास्टिक कर सकते हैं, प्रीमियम कर सकते हैं, और आप इस पर ऑयल बेस्ड पेंट भी कर सकते हैं, एनामल पेंट भी कर सकते हैं। आप इस पर यहाँ तक कि
वॉलपेपर भी चिपका सकते हैं। कुछ अगर आपको ज्योमेट्रिकल वर्क करना है तो आप इस पर ज्योमेट्रिकल वर्क के कुछ अलग अलग डिजाइन भी बना सकते हैं। मतलब ये वॉल अपनी पूरी कंप्लीट है डिजाइन बनाने के लिए या पेंट करने के लिए। मैंने आपको एक एक स्टेप इसमें करके दिखा दिया है, अगर आपको फिर भी कुछ इसमें डाउट हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो मैं आपको इसकी एक एक स्टेप की वीडियो बना के आपको दिखा दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। मैंने इस पे कोट लगा दिया है और अभी अच्छे से सूख जाएगा, तो इस पे हम लगाएंगे दूसरा कोट। दूसरा कोट इसलिए लगाएंगे, जो इस पे रेशे आ रहे हैं ना, ये लंबे लंबे ब्रश के जो निशान नज़र आ रहे हैं, ये विजिबल नहीं होंगे, ये दूसरे कोट में आपको नज़र नहीं आएंगे। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ और आप सबका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आप मेरे वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।